नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सभी का स्वागत है राहुल टेक में। दोस्तों आज की वीडियो में आप देखेंगे जेडन कंपनी की तरफ से आने वाले एक बैकपैक की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। दोस्तों ये नॉर्मल बैकपैक नहीं है, इसमें आप अपने DSLR SLR कैमरा लेंसेज, चार्जर, उसके अलावा बैटरी, SD कार्ड सब चीज़ रख सकते हैं और उसके साथ साथ आप ट्राईपोड होल्डर भी है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और आपको दिखाते हैं इसके पूरे कंटेंट। तो दोस्तों कुछ इस तरह की पैकेजिंग में ये आता है, अमेजोन से हमने मंगाया है। दोस्तों बात करते हैं प्राइसिंग की, तो 1300 रुपये के अंडर ये आपको मिल जाता है। तो इसको हम जल्दी से खोल लेते हैं और आपको अपना पूरा बैकपैक दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा बैकपैक, आप देख सकते हैं बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। दो कलर में मिलता है आपको, ब्लैक और ग्रे, जो आपको पसंद आता है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे जेडन की ब्रांडिंग दी गई है, आप देख सकते हैं क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। दो तीन इस पे चैनें दी गई हैं जिसमें आप बहुत सारा सामान ईजिली रख सकते हैं। तो जल्दी से मैं इसको ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसा ये लगता है। उसके बाद इसको आप खुद कस्टमाइज करना पड़ेगा, आपको दिखाता हूँ कैसे। तो दोस्तों ओवरऑल बैग काफ़ी अच्छा है, जल्दी से मैं इसको आपकी सारी चैनें दिखाता हूँ खोल के। तो दोस्तों यहाँ पे आप छोटी मोटी चीज़ रख सकते हैं, जैसे चार्जर, डाटा केबल या SD कार्ड, कुछ भी रख सकते हैं नॉर्मल चीज़ें। उसके बाद जो बड़ी चैन है उसमें आप SLR कैमरा लेंसेज और ये सारी चीज़ें रख सकते हैं, बट उसके लिए आपको उसे कस्टमाइज करना होगा। तो मैं आगे दिखाता हूँ कैसे मैंने कस्टमाइज़ किया। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सेक्शंस मिलते हैं जिसको आपको जोड़ना है और उससे एक कस्टमाइज बैकपैक बनाना है। तो जल्दी से हम एक कस्टमाइज बैकपैक बनाते हैं और फिर उसके अंदर सामान रख के दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी आप छोटी मोटी चीज़ रख सकते हैं, लैपटॉप, फ़ोन, टैबलेट, उस तरह की चीज़ें छोटी मोटी रख सकते हैं, बट कोई बड़ा लैपटॉप है वो नहीं आएगा। दोस्तों बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं बैग। तो मैं आपको फिर से पूरा दिखा देता हूँ बैग। दोस्तों बैग ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक ठाक है। अगर आप नॉर्मल कहीं पे जाते हैं फोटोशूट के लिए तो आपको बहुत दिक्कत होती है नॉर्मल बैग में ले जाना, बट इस बैग में आपको बहुत ईजिली हो जाता है कि आप कहीं भी इसको कैरी कर सकते हैं, बैग पे लगाइए और लेते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा दोस्तों इसमें बहुत आसानी से आपका कैमरा सेफ रहता है। तो दोस्तों ओवरऑल बैग काफ़ी अच्छा है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अपने कैमरे के लिए काफ़ी प्रोटेक्शन रहती है इससे। तो दोस्तों मैंने कुछ इस तरह के सेक्शन बना दिए हैं, आगे मैं आपको रख के दिखाता हूँ इसमें अपना कैमरा, लेंसेज और सब चीज़। तो आप भी इस तरह से जैसे मर्जी आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ये इजीली चिपक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसको हटा भी सकते हैं आप जैसे मर्जी चाहें, देखिए ऐसे हटा सकते हैं और जैसे मर्जी आप जो आपको पसंद आता है उस तरह से इसको लगा सकते हैं। तो जल्दी से मैं इसमें कुछ आपको कैमरा और लेंसेज रख के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जल्दी से रख के दिखाता हूँ आपको कैमरा और लेंस इस बैग के अंदर। तो हमने कस्टमाइज़ किया है इसको इस तरह से, आप यहाँ पे अपना कैमरा रख सकते हैं, उसके साथ आप चाहें तो और कुछ भी रख सकते हैं, लेंस काफ़ी जगह बच जाती है। तो चाहें तो आप यहाँ पे आगे लेंस रख सकते हैं या लेंस के लिए आप अलग सेक्शन बनाए गए हैं बहुत सारे, उसमें भी रख सकते हैं। देखिए या तो यहाँ पे रख दीजिए या साइड में रख दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर रख सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो दोस्तों अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। इजीली इसको बंद कीजिए और लेके चल दीजिए शूट पे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।